السلام عليكم. هل you are listen my voice my voice please بيتا yeah after the corona problem we are now connected after the two now with the same topics endocrinology calcitropic hormones calcitropic hormones already we discussed in the previous why okay hormone ye phone mein bhi likha hua calcitropic hormone so now the calcium homeostasis thyroid hormone calcitonin and vitamin d3 how calcium homeostasis was calcitonin and the vitamin d3 oh baba calcium e jaadu ye bata understand awaaz aa rahi hai hama aali na assalam alaikum sir सर हमारे कंटिन्यू है अभी कंटिन्यू है ना तो वही डिस्कस एम्ब्रोलॉजी हाँ जी बेटा ये के एम्ब्रोलॉजी का लेक्चर भी हमारा चल रहा है अभी अभी हम फिजियो का कैसे अटेंड करेंगे बेटा आज का शेड्यूल तो यही है हमारा सही है सर सबने थोड़ी को एम्ब्रियो का ज्वाइन किया हुआ है हाँ तो ये थोड़ी है कि भाई 100 स्टूडेंट ये करेंगे 100 स्टूडेंट वो करेंगे जब तक आप सॉफ्टवेयर ले एग्जैक्टली सही है सर ठीक है बेटा तो वी डिस्कस रिगार्डिंग टू द होम्योस्टेसिस हार्मोन्स ऑलरेडी वी डिस्कस हमने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में किया था कि भाई हार्मोन के उसके डिफरेंट ऑर्गन्स टारगेट ऑर्गन्स और फिर हार्मोन्स की सीक्रेट डिफरेंट ग्लैंड्स दे आर सीक्रेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स और उनके उनके मैसेंजर उनके जो रिसेप्टर्स हैं ऑन द साइट ऑफ द सेल्स ठीक है जो सेल मेम्ब्रेन पे हैं साइटोप्लाज्म में हैं और न्यूक्लियस में हैं फिर उनके अकॉर्डिंग टू द हार्मोनल नेचर कैसे हैं कि हार्मोन कैसे बनते हैं सर प्लीज स्पीक लाउडली आवाज आ रहा है अभी अभी आप सर प्लीज थोड़ा लाउडली बोलें हमने पहले हेलो जी बेटा अभी आवाज आ रहा है जी सर दादा ओंचू नेना ब्याह कर दे एड़ा ही सेम मेरे बुक चो सर आवाज क्लियर नहीं है सर बोल ही कहाँ रहे सर बोलेंगे तो आवाज आएगी लकड़ियों पता चले Thank you.
बाजी थोड़ा जोर से बोले, समझ नहीं आ रहा। सर आपका आवाज नहीं आ रहा, स्लाइड चलती जा रही है। अभी आवाज आ रहा है बेटा? सर अभी आना शुरू है, स्टार्ट से पढ़ाएं। सर अभी आना शुरू से पढ़ाएं। बेटा हमने डिस्कस किया था भाई, जब हमने एंडोक्राइन सर इससे भी पीछे वाली स्लाइड से, ठीक है सुनो, जब हमने एंडोक्राइन स्टार्ट किया था तो आपको याद होगा कि मैंने बताया थे कि भाई हम एंडोक्राइन में इट इज अ मेजर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। सर बहुत स्लो बोल रहे हैं आप, थोड़ा तेज बोलें। बोल रहा हूँ मैं, तेज बोल रहा हूँ और जोर से बोल रहा हूँ, शायद कोई सिग्नल प्रॉब्लम। सर हमें आवाज नहीं आ रही। आ रही है सर, सबके माइक्स खुले हुए हैं इस वजह से आवाज नहीं आ रही है। अपने माइक्स बंद करवा दे सबकी प्लीज बेटा, फिर माइक सर आप बंद कर सकते हैं, सबकी माइक्स ऑफ कर देना, म्यूट कर दे सबको। म्यूट कर देता हूँ ऐसे जी, करता हूँ बेटा। ठीक है बेटा, अभी आवाज आ रही है? तो वो डिस्कस प्रीवियस, यस सर। जी बेटा अभी आ रही है। तो कैल्शियम, कैल्सीट्रॉपिक हार्मोन की बात आती है तो हमारे जहन में फिर एक बात आती है कि कैल्शियम, कैल्सीट्रॉपिक हार्मोन। फिर हमारे जहन में बात आती है कि विटामिन डी, थायराइड, पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड ग्लैंड, सीक्रेट द पैराथार्मोन, कैल्सी टी सेल, सीक्रेट द कैल्सीटोनिन। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, मगर वहां से ही मैं कंटिन्यू करता हूँ और इसी कैल्शियम को लेके चलता हूँ कि भाई कैल्शियम इज एलिमेंट, मगर इसका काम कितना है, फंक्शन कितना है। देखें इम्पॉर्टेंट, कैल्शियम इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन द बॉडी। कैल्शियम साल्ट इन बोन प्रोवाइड स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी ऑफ द स्केलेटन। फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन द न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबल एंड सिग्नल ट्रांजिशन। इट हेल्प्स इन द ब्लड कोगुलेशन। इट हेल्प्स इन द हार्मोनल सीक्रेशन। इट हेल्प्स इन द एंजाइमेटिक रेगुलेशन। इट हेल्प्स इन द न्यूरोनल एक्साइटेशन। देखो एक कैल्शियम कितना काम है। तो कैल्शियम का बैलेंस क्या, द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इज बैलेंस्ड अमंग तीन चीजों पे डिपेंड करता है, इनटेक पे, स्टोरेज और एक्सक्रीशन पे। दिस बैलेंस इज कंट्रोल्ड बाय ट्रांसफर ऑफ द कैल्शियम अमंग थ्री ऑर्गन्स। तीन टारगेट ऑर्गन्स हैं, किडनी, बोन्स, इंटेस्टाइन। किडनीज, बोन एंड इंटेस्टाइन, हियर कैल्शियम इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन अंडर द इन्फ्लुएंस of the different hormones which are secreted through from the kidney. Understand? Ecto, which is Ecto 120 form hydroxycholecalciferol, the form of D3, that is Ecto in the kidneys, that effect on the small intestine and causing the reabsorption of the calcium from the small intestine and that deposited in where? In the bone. Understand? And finally, it maintained, it provide the structural integrity of the skeleton, whole skeleton of our body. Understand? One thing is essential is that how it is effect, it affects on the bone
एंड इफेक्ट ऑन द अदर टिश्यू. एंडोक्राइन सिस्टम जो सिस्टम है इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम एज लाइक ए CNS. Major system is consist of the major system of the body, like a CNS. Because due to the a proper level of the hormonal secretion, it affects on our metabolism, on our reproduction, on our growth, on our excitation, on our daily routine. Understand? So there's a basal limits are required. So हम बात करते हैं जो ये है general view of the एंडोक्राइन सिस्टम. बात करते हैं कैल्शियम की. अभी चलते हैं कैल्सीट्रोपिक हार्मोन की, हाउ दे वर्क. एंड इनटेक ऑफ कैल्शियम अबाउट 101 ग्राम या 1000 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम इज इंजेस्टेड पर डे. डिफरेंट सोर्स डाइटरी सोर्स हैं, मिल्क हैं, यूगर्ट्स हैं. 200 मिलीग्राम उसमें से इज एब्जॉर्ब इन द बॉडी. एब्जॉर्ब अकर हियर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रिक्वायर्स विटामिन डी फॉर द reabsorption. Understand? Primary site of storage is our bones, about 1 gram or so on, 1000 grams. Some calcium is stored within cells. Bone is produced by osteoblast cells. Already we discussed the different types of cells produce collagen, which is then mineralized by calcium and phosphate. Bone is remineralized, broken down by osteoclast, which secret acid, causing the release of calcium and phosphate into the bloodstream. There is constant exchange. इसको constant exchange चाहिए calcium को between the bone and blood. जो absorb हो रही है वो blood पे आ रही है, फिर bone और blood को एक constant exchange चाहिए to maintain the homeostasis at the bony level, part to integrity, to maintain the integrity of the skeleton. And the blood calcium for the excitation of the nerves tissue, for the excitation. Agar level of the calcium blood mein kam hai, this condition is known as hypocalcemia. Agar condition zyada hai blood mein, this cause hypercalcemia. This condition is known as hypercalcemia. What happened? The effect on the other systems. For example, nerves excitable, the effect on the nerves regulation, the effect on the blood coagulation. So, excretion of the calcium, the major site of the calcium excretion in body is the kidney. Understand? The rate of calcium loss and reabsorption in the kidney can be regulated. Har cheez ka ek balance hota hai aur wahi balance isi ko maintain karta hai. Agar wo balance is going to become disturbed, what happened? There's maybe intake has decreased, is causing that. Decreased processing of the different tissues, different processes in our body. If agar excretion zyada hai tab bhi problem hai, agar intake kam hai tab bhi problem hai. Aur yahi regulation of absorption, storage and excretion of calcium result in maintenance of the calcium homeostasis. Yahi homeostasis ka basic pillar hai. Agar ye regulate proper nahi hoti, so what happened? There's no calcium homeostasis maintained. Homeostasis kya zaruri hai? Jism ka homeostasis. Agar homeostasis nahi hai, to kya hum in the imbalance? Calcium, how it is regulated? The important role that calcium plays is so many processes already discussed in the previous slide. Both extra concentration is depend upon the both extracellularly and intracellularly. Be maintained within a very narrow range. This is achieved by an elaborate system of the controls. When extracellular calcium falls below normal, the nervous system becomes progressive more excitable. जैसे मैंने कहा था, tetany. Falls below normal, there are two types हैं, manifest tetany और latent tetany. याद है कि when the concentration of the calcium is falls below the normal ECF level, what happened? There is the nervous excitation is occur, increase permeability of neuronal membrane to the sodium. Jab calcium level ECF ki kam ho jayegi,
बिलो द नॉर्मल, नॉर्मल लेवल कितनी है, नॉर्मल लेवल 8.5 टू 9.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 8.5 टू 9.4 मिलीग्राम. अगर ये लेवल इज लेस देन 8.4 मिलीग्राम व्हाट हैपन, दैट कॉजिंग इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ न्यूरोनल मेम्ब्रेन फॉर द सोडियम, कॉजिंग एक्साइटेबिलिटी. इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर एक्साइटेबल स्टेट, कॉजिंग टेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और हाइपर टेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल बिलो. तो देयर आर टू टाइप्स, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में कि भाई एक होते हैं लेटेंट टेट्री, दूसरा होता है मैनिफेस्टेड लेटेंट टेस्टिंग. मैनिफेस्ट टेस्टिंग, लेटेस्ट टेस्टिंग मीन्स जिसमें सिम्टम्स अराइज नहीं होते, लेवल्स तो डाउन है फ्रॉम द नॉर्मल पर सिम्टम्स आर मैनिफेस्टेशंस आर डेवलप नहीं होते. मैनिफेस्टेशन व्हेन द लेवल बिलो द 6.4 और 6.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, दे डेवलप द मैनिफेस्टेशंस लाइक रिकेटिक रूजरी, बोन आर गोइंग टू बिकम when they baby who having or when adult who having a problem like hypocalcemia, what happened to that when they are fallen down there is a easily broken bones, brittle bones are going to become brittle in those bones. Contraction carpopedal spasm ho jaye, muscles are going to become carpopedal spasm, they develop the carpopedal spasm and this is known as a manifestation type of death. कैल्शियम के थ्री डिफाइनेबल फ्रैक्शन ऑफ कैल्शियम इन द सीरम में होते हैं. एक आयोनाइज फॉर्म में होता है 50% और दूसरा बाउंड फॉर्म में होता है, प्रोटीन बाउंड कैल्शियम 40% 90% बाउंड टू द एल्ब्यूमिन जिसमें, और जो 10% होता है 40 में वो बाउंड टू द ग्लोबुलर. कैल्शियम कॉम्प्लेक्स टू सीरम कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 10% मीन्स 50% 40% इन द फॉर्म ऑफ बाउंड दैट इज बाउंड टू द एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन. Understand? Ionized calcium. One is the 50% ionized calcium. Other is 40% is the bound form of the calcium. और 40% में 90% जो bound है वो albumin से bound है. और 10% जो है globulin से bound है. Calcium complex to serum constitute that is 10%. Citrate or phosphate. ये जो calcium की binding it is depend upon albumin के binding of calcium. तो एल्ब्यूमिन इज पीएच डिपेंडेंट. जैसे कंडीशन ऑफ क्यूट अल्केलोसिस इंक्रीज कैल्शियम बाइंडिंग टू द प्रोटीन एंड डिक्रीज आयोनाइज्ड कैल्शियम. पेशेंट हु डेवलप अक्यूट रेस्पिरेटरी अल्केलोसिस हैव इंक्रीज्ड न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी एंड आर प्रोन टू सीजर ड्यू टू लो आयोनाइज्ड कैल्शियम इन द एक्स्ट्रासेलुलर व्हिच रिजल्ट इन इंक्रीज परमीएबिलिटी टू सोडियम. कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम इज टाइटली रेगुलेटेड विद फॉस्फोरस इन द बॉडी. जब हम किसी की पेशेंट को रिकेट्स समझते हैं कि दे हैविंग ए रिकेट्स प्रॉब्लम लाइक ए बोन प्रॉब्लम, तो वही हमें इन्वेस्टिगेशन में क्या करवाते हैं, कैल्शियम फॉस्फोरस और फिर अल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट करते हैं, फिर उसकी एक रेंज निकालते हैं, रेशो निकालते हैं, बिकॉज दे आर टाइटली रेगुलेटेड विद फॉस्फेट. कैल्शियम इज टाइटली रेगुलेटेड विद फॉस्फोरस इन द बॉडी. It is regulated with the phosphorus. Calcium भी करवाते हैं, phosphorus भी करवाते हैं, alkaline phosphate. Alkaline phosphate. Phosphorus is essential mineral necessary for ATP, cyclic AMP, second messenger system and other. Clear? Calcium in blood and bone. Calcium normally ranges from 8.5 to 9.5, 10 milligram per deciliter normal concentration. Already we discussed the different ratio in ionized form and non-ionized form. Only free ionized calcium is biological action. Phosphorus, normal plasma concentration kitni hai 3 to 4.5 milligrams. 87% is diffusible with 35% complex with the different ions and 52% ionized. 30% is a non-diffusible in bound. 85% to 90% is found in the bone.
The rest is an cyclic MPM. बेटा बात समझ में आई, कैल्शियम के डिफरेंट फॉर्म्स, फास्फोरस एंड कैल्शियम कंसंट्रेशन एंड लिंक, देयर रेगुलेशन लिंक, कैल्शियम हाउ वेयर फ्रॉम द एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कैल्शियम, हाउ द फंक्शन ऑफ द कैल्शियम इज रेगुलेटेड, रीअब्सॉर्प्शन इज डिपेंड अपॉन द सीक्रेशन ऑफ विटामिन डी थ्री फ्रॉम द किडनी. कैल्शियम 99% कैल्शियम इज फाउंड इन द बोन. Yeah, 99% calcium found in the body. Most is found in the hydroxyapatite crystal. Very little calcium can be released. So, it is a major reservoir of calcium in the body. Bones kya hai? Calcium ka ek store hai. Aur calcium ka 99% fraction, 99% is stored in the bone. एंड जब बोन की बात करते हैं तो इट कंटेन द कार्टिकल बोन, स्केलेटन, लॉन्ग बोन्स 20%, 20% बोन मास, ट्रेबिकुलर, कार्टिकल और ट्रेबिकुलर बोन वर्क है, बोन फ्रेम है. जो कार्टिकल है 80% बोन होते हैं वो लॉन्ग बोन कंटेन होते हैं, और 20% जो होते हैं वो स्मॉल बोन जैसे रिब्स हैं, स्किल्स हैं, वर्टिब्रल है, पेल्विस. रिमॉडलिंग प्रोसेस जो हमारे पास डियर फेनोमेना होती है ना बोन में, टोटल परसेंट ड्यूरिंग ग्रोथ रेट ऑफ बोन फॉर्मेशन एक्सपीजॉर्प्शन linear growth, epiphyteal line, देखा एक वो एक age wise है effect on the growth hormone. तो टीवी बंद करें पीछे से सर, आवाजें आ रही है. आवाज आ रही है बेटा, कहाँ से आ रही है? आपकी तरफ से आ रही है, मेरे तरफ से नहीं. ठीक है बेटा, ये आप इस बात को समझें कि जब ओसिफिकेशन का, इफा फातिमा का माइक कौन है, बंद करें प्लीज. ठीक है बेटा, तो भाई बात आ रही है, आवाज आ रहा है. लीनियर ग्रोथ की हम जब बात करते हैं, ग्रोथ हार्मोन की हमने डिस्कस किए थे कि ग्रोथ हार्मोन एक्ट थ्रू द डिफरेंट वेज, एक तो सोमेटोमेडिन सी द इफेक्ट ऑन द लीनियर, द इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर रिलीज करते हैं, ठीक है, और द इफेक्ट ऑन द लीनियर एपिफिजियल लाइंस, लीनियर ग्रोथ अंडरस्टैंड, याद है ग्रोथ, और फिर जाके उसकी साइज बढ़ती है. ड्यूरिंग ग्रोथ रेट ऑफ बोन फॉर्मेशन एक्सीज रिजॉर्प्शन एंड स्केलेटल मास इंक्रीज, या क्या कहते हैं, 10% टोटल एडल्ट बोन मास टर्न्स ओवर ईच ईयर ड्यूरिंग रीमॉडलिंग प्रोसेस. एक एज लिमिट है, ये प्रोसेस अचीव एक पीक लेवल तक जाता है. ग्रोथ हार्मोन की जैसे ग्रोथ हार्मोन की भी सीक्रेशन से एक पीक पे जाती है, फिर क्या होता है, एक लेवल 30 तक, अबाउट 30 जो ओसिफिकेशन पीरियड है, जैसे फीमेल और मेल में भी सेपरेट 18 to 21 ईयर्स हैं, उसमें कंप्लीट ओसिफिकेशन ऑफ बोन्स होता है. जो हाइट बढ़नी होती है नॉर्मली वो बढ़ जाती है, फिर जो एबनॉर्मल हाइट बढ़ती है, फॉर एग्जांपल द इफेक्ट, जैसे दो कंडीशन थी, एक थी एक्रोमेगाली, दूसरी थी जिनजाइटिज्म, जिनजाइटिज्म. एक कंडीशन में क्या होता है, बिफोर द प्यूबर्टी effect on the epiphyseal lines, growth hormone, and after the puberty, effect on the epiphyseal lines, on the growth, on the growing bones. What happened, there is a separate, normal की बात करते हैं, ये एक levels होती हैं, peak level. तो इसमें हमारी calcium is a, taking a very important role for the storage, at the storage point of the bone. मिनरलाइजेशन क्या है, रिक्वायर एडिक्वेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट, मिनरलाइजेशन डिपेंड ऑन विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी इज एसेंशियल फॉर द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम वेयर फ्रॉम द इंटेस्टाइन, व्हाट एवर वी इंटेक एंड दैट कैल्शियम कंटेन, फूड कंटेन द कैल्शियम दैट इज गोइंग टू बिकम रीअब्सॉर्ब एंड स्टोर्ड वेयर, स्टोर्ड एट द
bone, because that is a major storage site for the calcium. And this turnover of that calcium for the requirement of the different tissue. Alkaline phosphatase and osteocalcin play a role in the bone formation. Alkaline phosphatase, their plasma levels are indicator of osteoblastic. Okay, मैंने बताया थे osteoblast और osteoclast. एक बोन फॉर्मिंग यूनिट, एक बोन डिस्ट्रक्टिव यूनिट सेल्स, दूसरे ऑस्टियोप्रोजेनिटर और ऑस्टियो, चार टाइप्स ऑफ द बोन सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स हैं, दे आर इफेक्ट कंट्रोल ऑफ बोन फॉर्मेशन रिजॉर्प्शन. Bone resorption of calcium by two mechanisms. कैसे होती? Osteocytic osteolysis. बात करते हैं उसी की osteoclastic cell. Process क्या होता है? Osteocytic osteolysis breaking down is a rapid and transient effect in osteoclastic resorption, which is slow and sustained. एक है ज़्यादा rapid effect और osteoclastic क्या resorption, which is slow and sustained. Both are stimulated by hormone that is a parathyroid hormone. Calcium phosphate precipitates out of solution and its solubility is exceeded. The solubility is defined by the equilibrium equation. In the absence of the hormonal regulation, plasma calcium is maintained at by this equilibrium. Understand? Osteocytic osteolysis hai kya? Transfer of calcium from canaliculi to extracellular fillers. Samajh mein aayi baat? Osteocytic osteolysis. Transfer of calcium from canaliculi to the extracellular fillers via activity of osteocytes. Does not decrease bone mass. Isme does bone mass decrease. Remove calcium from most recently formed crystals happens quickly. This process occurs in a rapid. Bone resorption does not merely extract calcium. It destroys entire matrix of the bone. Isme kya hota hai? It destroys entire matrix of bone and diminish bone mass. एंड यहाँ सेल्स क्या होते हैं, कौन से सेल्स हैं? ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स. ये सेल्स रेस्पॉन्सिबल दिस प्रोसीजर इज ड्यू टू द ऑस्टियोक्लास्ट. एंडोक्राइन सिग्नल्स टू रेस्टिंग ऑस्टियोक्लास्ट जनरेट पैराक्राइन सिग्नल्स टू ऑस्टियोक्लास्ट. And precursors. Osteoclast reserve an area of mineralized bone, local macrophages, clean up debris. Process reverse when osteoblast and precursors are recruited to site and generate new matrix. New matrix is mineralized. New bone replaced previously reabsorbed bone. Calcium level decline ho, calcium level badh jaye. Bone integrity disturb ho, bones are going to become thin, brittle, easy to break it down. Ek level of time hota hai being ki bones ki integrity or skeleton integrity maintain hoti hai, uska bhi ek time period hota hai. Har kisi ki peak levels hoti hai, then decline. Ye natural phenomenon. बोन की इंटीग्रिटी इन द डिफरेंट बुक्स में क्या है, 25 to 30 ईयर्स है, 25 to 35 ईयर्स में ही बोन मास जो ह्यूमन पीक्स होता है, बोन मास वो इट एज ऑफ 25 to 35 ईयर्स ऑफ एज पीक, थिक थिक बोन होते हैं, ताकतवर बोन होते हैं. इट बियर्स नो प्रॉब्लम लाइक ऑस्टियोपोरोसिस, लाइक ए रिकर्स नॉर्मली, इफ द प्रोसेस इज गोइंग ऑन नॉर्मली, द बोन ह्यूमन बोन्स the mass of the human bones is a normal or peak at the age of 25-30 years. Naturally, in both sexes, male and female,
men having a more bone mass, female less naturally because there is the allocution in the female due to the hormonal effect. Ye bhi hormonally effect hai mostly estrogen in the female. And there's a in the male, there's a testosterone that is the delayed ossification in the men due to the second one sex hormone of the male. Magar jab peak pe aati hai to uska decline bhi ek natural phenomena hai. A gradual decline occur in both genders. With aging, it's natural phenomenon, but women undergo an accelerated loss of bone due to increased absorption during premenopause. Bone absorption exceeds formation, Calcium, bones and osteoporosis, reduce bone density and mass. This condition is known as osteoporosis. Bone mass and density is going to become reduced. This condition is known as osteoporosis. Bachchon mein rickets, badon mein osteomalacia, osteoporosis mostly postmenopausal period. Bones are going to become due to the late hormonal response that causing the bone are going to become brittle, thin and easily broken down and susceptible to fracture. Is risk ko hum kaise kam karenge, osteoporosis ke risk ko, osteomalacia ke risk ko, rickets ke risk ko? Levels of jo osteocalcitropic hormones hain wo normal honi chahiye. Hamari diet usme aata hai bada role. Hamari diet calcium, diet contain the calcium. Habitual exercise, avoidance of smoking and alcohol intake, avoid drinking carbonated, जो cold drinks बच्चे लेते हैं ना, sir cold drinks बच्चे लेते हैं और बड़े intense cold drinks लेते हैं, they also suffer from the osteoporosis, osteomalacia, bone problems. Carbonated because it contain the carbonated fluid, carbonated material. Major effect of various hormones on bone. Bone formation stimulated by constantly by the growth hormone. Many kind growth hormone, insulin like growth factors. Ye bhi growth hormone ke action by the two ways. One is the insulin like growth factor. Other is the direct. One is the indirect. Other is the direct. Insulin, estrogen, androgens. Vitamin D, transforming growth factors, skeletal growth factors, bone derived growth factors, peptide derived growth factor, calcitonin, parathyroid hormones inhibited by cortisol, stimulated bone absorption, stimulated second one is the parathyroid hormone, vitamin D, cortisol, thyroid hormone, prostaglandin. ये मैं अब सीरीज बता रहा हूँ कि आपको ये जहन में हो. मैं करते कैसे इनका डिफरेंट मैकेनिज्म, हर किसी का अपना डिफरेंट मैकेनिज्म थ्रू द डिफरेंट और बोन रिजर्वेशन इनहिबिटेड बाय एस्ट्रोजन एंड्रोजन. सर प्लीज आप चैट ऑफ कर दें, मुसलसल मैसेजेस आ रहे हैं और फिर इस तरह से डिस्टर्बेंस हो रही है. जी बेटा सर चैट ऑफ कर दें, मुसलसल ये मैसेजेस कर रहे हैं और फिर डिस्टर्बेंस हो रही है, लेक्चर भी समझ में नहीं आ रहा इस तरह से. क्यों भला, मुझे तो मैसेज मैंने तो ऑफ कर दिया है सर. यहाँ पर तो मुसलसल चैटिंग सब लोग कर रहे हैं सर. चैट ऑफ कर दें आप, डिसेबल कर दें सर. चैट डिसेबल कर दें आप.
Inshallah, we will continue in the next that topic.